इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बात करते हैं जकार्ता में झारखंड की बेटी के जलवे की। जी हां, जकार्ता में चल रहे 18वें एशियाई खेलों में झारखंड की बेटी मधुमिता कुमारी ने कंपाउंड टीम में देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। बता दें आपको कि देश की स्टार तीरंदाज और रांची की बेटी दीपिका कुमारी के रिकर्व में खराब प्रदर्शन के बाद सिल्ली तीरंदाजी एकेडमी की मधुमिता कुमारी, मुस्कान किरार और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय महिलाओं ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे को 225-222 से मात दी। भारत का फाइनल में दक्षिण कोरिया से मंगलवार को मुकाबला होगा। मधुमिता के इस प्रदर्शन पर बिरसा मुंडा आर्चरी अकेडमी सिल्ली के संरक्षक सुदेश महतो, अध्यक्ष नेहा महतो, कोच प्रकाश राम, शिशिर महतो ने भी बधाई दी है। एकेडमी के खिलाड़ियों ने मधुमिता कुमारी के फाइनल में पहुंचने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। तो इस तरह से झारखंड की बेटी का ये कमाल, ये जलवा 18वें एशियाई खेलों में नजर आ रहा है। यानी कि भारत का पदक पक्का हो गया है। अब बस नजरें जो टिकी हुई है वो है फाइनल मुकाबले पर, वो है गोल्ड पर। यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन मधुमिता कुमारी करे और इस तरह से गोल्ड पर सीधा वो निशाना साधे। फाइनल मुकाबला जो कि मंगलवार को होगा दक्षिण कोरिया से, फाइनल में भिड़ंत होनी है। ऐसे में मधुमिता कुमारी पर सबकी निगाहें टिकी हुई। और इस वक्त हमारे साथ मधुमिता कुमारी के कोच प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद मैडम। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी स्टूडेंट मधुमिता कुमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेलों में भारत का परचम लहरा रही है, पदक उन्होंने पक्का कर लिया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हम काफी खुश हैं, हमारी एकेडमी काफी खुश है कि आज ये पल हम लोगों को मिला है कि हमारी छोटे से एकेडमी बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी की बच्ची आज देश के लिए पदक जीतने के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। जी सर, फाइनल मुकाबला मंगलवार को होना है, दक्षिण कोरिया के साथ ही मुकाबला होना है। तमाम जो देशवासी है वो गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस वक्त? आप जरा बताएं कि कितना प्रेशर, कितना दबाव, कितनी एक्साइटमेंट इस वक्त मधुमिता के अंदर चल रही होगी और आप किस तरह से उन्हें गाइड कर रहे हैं फाइनल मुकाबले को लेकर? काफी अच्छे कड़ी मुकाबला होगा जी साउथ कोरिया के साथ हमारा, और हमारी तैयारी काफी अच्छी रही है अभी तक की। जिस तरह से हम लोगों ने खेल को खेलते आए हैं, अपने गेम को अच्छा से अच्छा करते आए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी टीम जोश के साथ खेलेगी और स्वर्ण पदक भारत की झोली में डालेगी। बिल्कुल प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, जो कि सिल्ली तीरंदाजी के संरक्षक भी हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीए वॉइस में। धन्यवाद। सुदेश जी, मधुमिता कुमारी ने जिस तरह से पदक पक्का कर लिया है, देश के गौरव को और ऊंचे स्तर पर वो लेकर गई है, झारखंड की बेटी का जो जलवा एशियाई खेलों में नजर आ रहा है, क्या कहिएगा, किन शब्दों से आप एक्सप्लेन कीजिएगा? सबसे पहले तो तैयारी के लिए हम अपनी ओर बधाई देते हैं। उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है और वो कभी भी हम लोग ने देखा है कभी घबराती नहीं है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला है तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा है उनमें। मेरी शुभकामना है कि वो कल के मुकाबले में कोरिया को खास करेंगी। जी सुदेश जी, 18वें एशियाई खेलों में जाने से पहले क्या आपने सोचा था कि वो इस स्तर पर कामयाबी हासिल कर लेगी, वो यहाँ तक पहुंच पाएगी, इस लेवल तक पहुंच पाएगी? देखो, मेहनत का कोई दूसरा तोड़ तो होता नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर इन बच्चों का ट्रेनिंग होता है, जिस लेवल में ये लोग मेहनत करते हैं, वो देख के एक आत्मविश्वास बढ़ता है और ये बिल्कुल से उन्होंने सटीक साबित किया है। जी आपके एकेडमी की तरफ से किस तरह से उन्हें तमाम सुविधाएं दी गई, किस तरह की पूरी ट्रेनिंग दी गई, जरा थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप बता सके? ये एक बिरसा आर्चरी सेंटर के माध्यम से हमारे कोच प्रकाश जी, सिद्धीप और पूरी टीम लगातार इस क्षेत्र के खासकर साधारण परिवार के बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जिनमें क्षमता है, उसको सर्च करके एक प्लेटफॉर्म देना, उनको बेसिक ट्रेनिंग डिसिप्लिन के साथ देना,
और बड़े स्पर्धाओं में जाने न केवल अवसर देना बल्कि उसमें सफल होने का गुण सिखाते हैं। तो एक एक कड़ी मेहनत है इसके पीछे और मैं बिल्कुल कड़ी मेहनत है इसके पीछे और पूरा डिसिप्लिन लगता है किसी भी ट्रेनिंग को लेने में। प्रकाश राम जो कि मधुमिता कुमारी के कोच है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी जरा बताएंगे आप मधुमिता कुमारी के बारे में, किस तरह की स्टूडेंट रही है वो, कितनी मेहनती, क्या शुरुआत से ही वो इसे यानी कि तीरंदाजी को अपना करियर बनाना चाहती थी या फिर शौकिया तौर पर इसकी शुरुआत हुई और वो आज यहाँ तक आ पहुंची? शुरू से ही मधुमिता कुमारी बता दें आपको हम जी, शुरू से मधुमिता कुमारी काफी मेहनती रही है। स्टार्टिंग से ही जब आरसी स्टार्ट की थी वो जी तो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस के लिए आया करती थी पैदल चल के जी। और उसमें लगन था कि वो हर रोज प्रैक्टिस आती थी और अपने अपने क्लास को अटेंड करती थी जी। और जब किसी कारणवश उसकी प्रैक्टिस बंद हो गई, वो इतनी जिद्दी भी थी कि अपने घर को छोड़ के चली गई हमें प्रैक्टिस करना है जी। और उसके बाद हम लोगों ने सर अच्छा मान्य महतो जी से किया कि सर हमको आपका सपोर्ट चाहिए जी। और सर ने हमें काफी सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से ही आज बिरसा मुंडा की स्थापना हो सकी। देश को पदक देने के काफी नजदीक पहुंच चुकी है जी। प्रकाश जी, इंटरनेशनल कंपटीशन पर जाने से पहले क्या कुछ कहा था मधुमिता कुमारी ने, किस तरह से वो नर्वस थी, थोड़ी एक्साइटेड थी अपनी इस जीत को लेकर, पदक को लेकर वो कितनी आश्वस्त थी? मधुमिता जाने से पहले काफी नर्वस थी, इसलिए क्योंकि इस वर्ष उसने 5 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में, इसमें वो कहीं ना कहीं असफल हो रही थी जी। और उनके दिमाग में ये चीज चल रहा था कि कहीं हम इस बार कैसा करें जी? अच्छा कर पाएंगे, खराब कर पाए, नर्वस थी। पर जाने से पहले अपने आप काफी नर्वसनेस के साथ साथ पूरा पूरा कॉन्फिडेंस भी था और इस तरह से नर्वसनेस को दरकिनार करते हुए कॉन्फिडेंस के पथ पर आगे बढ़ते हुए मधुमिता कुमारी ने देश का नाम रोशन करने का काम किया है। पदक उन्होंने पक्का कर लिया है, बस अब देश को उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेकर आए और इसका फैसला होगा मंगलवार को जब फाइनल मुकाबला खेलने के लिए वो उतरेंगे। तो इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है एशियाई खेलों में कि झारखंड को, झारखंड राज्य के नाम 2 पदक हो जाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पदक गोल्ड में बदलता है या फिर नहीं, इसका अंतिम फैसला मंगलवार को हो जाएगा फाइनल मुकाबले के बाद। चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश राम जी, हमारे साथ मधुमिता के कोच जुड़े हुए थे, साथ ही साथ सुदेश महतो जी जुड़े हुए थे जो कि झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ जिस एकेडमी से मधुमिता ने ट्रेनिंग ली उसके संरक्षक भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारी तरफ से मधुमिता को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो फाइनल में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीत कर आए। इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।